राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने 18 मार्च 2021 को 7:15 पर एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है 18.5 करोड़ का। 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने एक जमीन का एग्रीमेंट कराया और 7:05 पर जिस जमीन का ट्रस्ट ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है उसी जमीन का बैनामा 7:05 पे हुआ था 2 करोड़ रुपए में। जब बैनामा कराया गया, कोई भी जमीन बैनामा कराइए या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराइए उसमें गवाह लगते हैं, जब जमीन का बैनामा हुआ 7:05 पर तो उसमें गवाह थे ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, ये दोनों लोग गवाह थे उस जमीन के बैनामे में। जब जमीन का बैनामा करने वाले ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को किया तो 18.5 करोड़ में तय हुआ और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया और जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ तब भी उसमें गवाह ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। इसका मतलब जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे, इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार लूट हुई है, इस लूट के जिम्मेदार कौन है कि 10 मिनट में 2 करोड़ से जमीन 18.5 करोड़ की हो गई, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहा हूं, यह अयोध्या राम की धरती, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती, लोगों ने अपने खून पसीने को काट कर चंदा दिया राम मंदिर के निर्माण के लिए, सहायता किया, सहयोग राशि दिया, लोग गली गली भटके राम के नाम पर मंदिर बनाने के लिए पैसा धन एकत्रित किया, और अगर आज उस धन का राम भक्तों के उस धन की बंडर बांट होगी, जमीन खरीदने के नाम पे इतना भ्रष्टाचार होगा तो मुझे लगता है देश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं का, हिंदुओं ही नहीं देश में रहने वाले 120 करोड़ लोगों का अपमान है। ये हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों, ईसाइयों का, सारे लोगों का अपमान है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण की बात कही सबने स्वागत किया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी लूट, 16.5 करोड़ रुपए जमीन के नाम पर, और सबसे बड़ा सवाल मैं ये कहना चाहता हूं, 17 करोड़ रुपए जो आरटीजीएस हुआ है खाते में, उस पैसे की जांच होनी चाहिए, पैसा किन किन में बटा, कहां कहां गया, जिससे पता लग जाए कि इस चोरी में, इस महाभ्रष्टाचार में कौन कौन लोग लिप्त हैं। सवाल होना चाहिए ट्रस्ट से कि जब तुमने 2 करोड़ रुपए में तुम गवाह थे, जब जमीन पैनामा की गई तो वही जमीन 18.5 करोड़ में कैसे दोबारा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुई, क्यों इसमें ट्रस्ट के लोगों ने आवाज नहीं उठाई, ट्रस्ट के लोगों ने क्यों शांत रहे। इसका मतलब इस भ्रष्टाचार में ट्रस्ट भी भागीदार है, इसका जवाब ट्रस्ट को देना चाहिए। यह मेरा सवाल नहीं है, यह अयोध्या फैजाबाद ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश और देश के एक एक राम भक्त, एक एक जिन लोगों ने भी आस्था राम में, भगवान राम में है, यह उन सारे लोगों का सवाल है। यह सवाल कोई पवन पांडे का नहीं है, और मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं कोई किसी दल के नेता के नाते इसको नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास ये बैनामे की भी कॉपी है, मेरे पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की भी कॉपी है, मैं प्रूफों के आधार पर, लिखित साक्ष्य के आधार पर, लिखित तथ्य के आधार पर ये सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ की कैसे हो गई, ये धर्म के नाम पर लूट की गई है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आस्था के साथ लूट की गई है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए, मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए और सीबीआई जांच कराकर दूध का दूध पानी इस केंद्र की सरकार को करना चाहिए। पहला बैनामा किसने किया और दूसरा बैनामा किसने किया, जमीन और कहां बैनामा हुआ, फिर एग्रीमेंट कहां हुआ। देखिए, पहले जमीन बाबा हरिदास, उनके परिवार ने, उनकी पत्नी और वो जो इसमें सब लिखा पढ़ी में है पूरा, उन्होंने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम बैनामा किया 18 मार्च 2021 7:05 पर, इसमें सब लिखा पड़ी में है, सब लिखा पड़ी में है, बैनामा हुआ और बैनामा करने के 10 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, 7:15 पर, 16 मिनट पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट
ट्रस्ट को करते हैं सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी 18.5 करोड़ रुपए में। 18.5 करोड़ रुपए में से 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। तो मेरा सवाल यही है, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस जमीन को 5 मिनट 7 मिनट पहले 2 करोड़ रुपया में खरीदा गया, ट्रस्टी इसमें गवाही थे, ऐसा कौन सा अचानक मामला आ गया, जमीन कौन सा सोना देने लगी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 2 करोड़ की जमीन को 5-7 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया और ट्रस्टी साहब दोबारा उसके गवाही हैं, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाही हैं और इसका सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है, ये रजिस्टर एग्रीमेंट बैनामा सब आपके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है। ये बहुत भ्रष्टाचार किया गया राम के नाम पर, आस्था के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर, राम की धरती पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया। हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं, न्यायिक जांच की मांग करते हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और एक बात बता दूं, जहां पर यह जमीन 18.5 करोड़ की खरीदी गई है, आप जाकर पता कर लीजिए, इसी के अगल बगल की जो जमीनें हैं वो आज भी 1.5 करोड़, 50 लाख और 2 करोड़ में मिल रही है। ऐसा नहीं कि कोई वहां मोल भाव बढ़ गया आज जमीन वहां कोई 18 करोड़ की मिल रही है। यह आपको जांच करने का मुद्दा दे रहा हूं, जाइए जांच कर लीजिए, वहां के रहने वाले लोगों से पूछ लीजिए। और यही भ्रष्टाचार लगातार ट्रस्ट कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं ट्रस्ट ने जितनी भी जमीनें खरीदी हैं सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से लोग मिले हैं, कौन कौन से लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर, जमीन के नाम पर, मंदिर के नाम पर अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं, उन सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लाखों रुपया खा गए राम के नाम पर, करोड़ों रुपया खा गए और बताएंगे देशभक्ति, बताएंगे राम भक्ति। मैं ऐसे देशभक्त और राम भक्तों को नकार रहा हूं, इनकी निंदा करता हूं और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू वोजो स्टोरी एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिज्म।